कि मंदिर तोड़ने के पीछे नियत क्या थी, मंदिर तोड़ने के पीछे कारण क्या था। क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर थे वो हमारी आपकी सामाजिक समरसता का, हमारी आपकी एकता का केंद्र थे। अगर जैसे किसी युद्ध में कहा जाता है कि अगर राजा को मार दिया जाए तो वो सेना जो है वो डिमोरलाइज हो जाती है, अपने आप ही हार ही मानी जाती है, तो हम सारे लोग अपने मंदिर को अपना केंद्र मानते थे, जिसे कहा जाता है कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, वो वैसा एक रोल मंदिर हमारे लिए प्ले करता था। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आज भी जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, प्रसाद और सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल लर्निंग, कल्चरल सेंटर का एक केंद्र होता है। उसी तरह से जितने इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे हमारे लिए कल्चरल सेंटर का केंद्र थे, और इसीलिए जितने आक्रांता थे, जिसे जे एस आई दीपक भी अपनी किताब में लिखते हैं, एक मानसिकता थी कल्चरल कॉलोनियलिटी की कि हमें इस देश को अगर जीतना है तो यहाँ के मदरबोर्ड को, यहाँ के सिस्टम को समाप्त करना है, और उस कल्चरल कॉलोनियलिटी की मानसिकता के माध्यम से ये सारे मंदिर तोड़े गए।